हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन की फाइल ऑप्शंस पे जाकर आप फ़ोटोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस पे जाकर, और फ़ोटोज़ वगैरह को कैसे छिपा सकते हैं अपने फाइल ऑप्शंस में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोटोज़ को कैसे हाइड कर सकते हैं एंड फ़ोटोज़ को कैसे छिपा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आइकन शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपको इस पे जाना है, फाइल्स पे जाकर जो भी आप फ़ोटोज़ वगैरह को हाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कैसे छिपा सकते हैं फ़ोटोज़ को, तो देख सकते हैं कि कैसे फ़ोटोज़ को हाइड कर सकते हैं फाइल ऑप्शंस में। तो सिंपली देख सकते हैं कि कोई भी फाइल्स आप सेलेक्ट कर लेते हैं, और कोई भी फाइल्स को आप इस तरीके से सेलेक्ट करके थ्री डॉट पे जाते हैं और मूव टू सेव फोल्डर करते हैं, तो फ़ोटोज़ आपके फ़ोन में हाइड हो जाएंगी। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ को आप हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं अपने फाइल्स में, एंड आप चाहें तो वीडियोस को भी हाइड कर सकते हैं। वीडियोस को हाइड करना चाहते हैं कोई वीडियो सेलेक्ट कर लेना इस तरीके से, और थ्री डॉट पे जाकर मूव टू सेव फोल्डर करते हैं, तो वीडियोस भी आपके फ़ोन में हाइड हो जाएगी जो फ़ोन में शो नहीं करेगी। इस तरीके से आप वीडियोज़ को भी हाइड कर सकते हैं, एंड आप शो करना चाहते हैं तो सेव फोल्डर का यूज़ करके आप इस पर देख सकते हैं फ़ोटोज़ को, हाइडिंग फ़ोटोज़ को आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से, और इनको आप वापस मूव आउट भी कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से मूव आउट करते हैं तो आपके स्क्रीन पे वापस शो हो जाएंगी फ़ोटोज़ वगैरह। तो इस तरीके से फ़ोटो वीडियोस को हाइड कर सकते हैं और छिपा सकते हैं फ़ोटोज़ वगैरह को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो